हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एसीबीएफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाउ टू बिल्ड मसल्स का डिटेल्ड आंसर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ओवरऑल फिटनेस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए, आपका रेप रेंज क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन की डिटेल में बात करेंगे, आपको क्या खाना है, कब खाना है, बिकॉज टाइमिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाइड्रेशन, पानी की बात करेंगे। लोग अक्सर पानी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मसल बिल्डिंग के लिए। स्लीप कोटा की हम बात करेंगे कि आपको कितना स्लीप कोटा होना चाहिए, आपका आपको कितना सोना चाहिए, बिकॉज रेस्टिंग फेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए वेट ट्रेनिंग होता है, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दूंगा बिकॉज मसल बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक या दो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। एक ओवरऑल फिटनेस का अगर आप अप्रोच रखेंगे तो आप मसल बिल्डिंग में जो आपका टारगेट है आप उसको अचीव कर सकेंगे एक स्टिपुलेटेड टारगेट टाइम के अंदर में। आशा करता हूं कि आपको ये टिप्स काफी पसंद आएंगे और आप ये फॉलो भी करेंगे और अपनी मसल्स को अच्छे से बिल्ड भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करें और ये वीडियो ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल में वन बाय वन। सबसे पहले जिम, वेट ट्रेनिंग को आप 4 से 5 दिन रखिए एक वीक में। 7ों दिन आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार अगर हम डेली जिम जाएंगे तो हमारा मसल बिल्डअप ज्यादा अच्छा होगा, जो कि एक गलत इंफॉर्मेशन है। पहले आप ये समझिए कि जो 1 घंटा आप जिम में बिताते हैं उस 1 घंटे के अंदर में आपके जो मसल्स हैं उनका वियर एंड टीयर हो रहा होता है, वो जो आपके मसल्स है वो ब्रेक हो रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको जो मसल बिल्डिंग फेज है वो बाकी 23 घंटे जब आप रेस्टिंग फेज में होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप खा रहे होते हैं, तब आपका मसल बिल्डअप होता है। अगर आप वो टाइम गैप नहीं देंगे तो मसल बिल्डअप आपका ढंग से नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अगर आप 7 के 7 दिन जिम जाते हैं तो आप एक रेस्टिंग प्लान बनाइए, मैक्सिमम 4 से 5 दिन आप एक वीक में वर्कआउट के लिए जाइए, रिकवरी टाइम जरूर दीजिए अपनी बॉडी को, उससे आपका मसल्स आपका अच्छी टोनिंग के साथ, अच्छी रिपेयर के साथ, न्यू मसल कैपेसिटी और न्यू मसल्स आपके बिल्डअप होंगे। अब हम बात करते हैं रेप रेंज की। बेस्ट रेप रेंज जो है फ्रेंड्स वो 15 से 8 का होता है। अब इसमें 2 बहुत ही जरूरी पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आपको हर सेट में वेट को इंक्रीज करते हुए जाना है और रेपिटेशंस को आपको कम करना है, मतलब शुरू के सेट में सबसे कम वेट आपको लेना है और रेप रेंज आपको सबसे ज्यादा रखना, जो कि आप 12 से 15 रख सकते हैं। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि जो आपकी टारगेटेड मसल्स हैं उनको वार्म अप करना बहुत ही जरूरी होता है। एक और चीज है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के सेट में आप कभी भी फेलियर तक ना जाएं। काफी बारी क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जोश में होते हैं और पहले ही सेट में वो फेलियर को भी क्रॉस कर लेते हैं कई बारी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पहले सेट में, चूंकि वो वार्म अप एक्सरसाइज है आपके टारगेट मसल के लिए, आप सिंपली 70% अपनी कैपेसिटी का ही उसको कंप्लीट कीजिए, फेलियर तक ना जाए। जो बाकी के सेट्स हैं उसमें आप कंप्लीशन तक जाइए, फेलियर तक जाइए तो ज्यादा बेटर रहता है। पहले सेट में 70% कैपेसिटी को यूज कीजिए। अब हम आते हैं कि वर्कआउट के कुछ इस तरीके के मिथ हैं और ऐसी जानकारी है जो कि लोग मान लेते हैं और उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो उनको मिलने चाहिए। ऐसी एक जानकारी ये है कि लोगों का कहना ये है
कि जब आप मसल गेनिंग फेज में होते हैं तो आपको कार्डियो नहीं करना चाहिए, आपको एब्स नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आपको कार्डियो और एब्स जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट कार्डियो मसल बिल्डिंग में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका वेट ट्रेनिंग होता है। अगर आप कार्डियो करेंगे तो आपकी रिकवरी भी ज्यादा जल्दी होगी, और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि आपका जो स्टोर्ड फैट है वो भी बर्न होगा। कार्डियो की टाइमिंग को फ्रेंड्स आप 30 से 60 मिनट रखिए पूरे वीक के लिए। अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो पर डे आपका 5 से 12 मिनट का कार्डियो का शेड्यूल आप बना सकते हैं अपने लिए। अब हम एब्स की अगर बात करें, एब्स भी आपका बेसिकली एक मसल है, जिस तरीके से आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स है, क्वाड है, कम से कम आपको वीक में एक से दो बारी एब्स ट्रेनिंग भी करना चाहिए। एक हंक और एक अच्छे लुक के लिए, एक स्मार्ट लुक के लिए आपका एब्स का टोनिंग भी बहुत ही जरूरी है। तो आप एब्स माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल मिस ना करें, इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ना माने कि कार्डियो और एब्स आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप अपने शेड्यूल में कार्डियो 30 से 60 मिनट और एब्स को एक से दो बारी आप ट्रेनिंग फेज में जरूर रखिए पर वीक। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। वेट ट्रेनिंग जितना इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ एक अच्छा बैलेंस डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हम सबको मालूम है कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर आप डाइट को बैलेंस नहीं करोगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक बैलेंस डाइट मसल बिल्डिंग और ओवरऑल फिटनेस के लिए मैं आपको सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में प्रोटीन आते हैं जो सभी को मालूम है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं। अक्सर फैट को लोग ना बेकार समझते हैं इनका कोई यूज नहीं है। तो मैंने बहुत बारी देखा है कि लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और फैट को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। फैट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनफैक्ट इनडायरेक्टली मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प करते हैं, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फैट के बेसिकली फंक्शन क्या क्या है। फैट्स आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि आपका मेन हार्मोन है जो आपको हेल्प करता है मसल बिल्डिंग के लिए। तो ये एक हिसाब से आपका एक प्रीकर्सर हो गया कि अगर आपके पास प्रॉपर फैट्स नहीं है तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। इवेंचुअली आपके वो मसल बिल्डिंग में इफेक्ट भी करेगा, तो आप फैट जरूर लीजिए। दूसरा फैट का फंक्शन होता है एंटी इन्फ्लेमेशन। एंटी इन्फ्लेमेशन मतलब ये सूजन को भी बहुत कम करता है। इसके अलावा फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके जॉइंट्स के लिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए भी फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैट पे हम लोग फोकस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी शेयर किया था कि ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए फिटनेस का, सारे पैरामीटर आप ध्यान रखिए तो आपका जो एक बॉडी बिल्डअप होगा वो बहुत ही निखर के आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप फैट्स नहीं ले रहे हैं तो आज से ही आप लेना शुरू कर दीजिए। हाँ, कौन सा फैट लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे शेयर करता हूं अभी। फैट्स दो तरीके के होते हैं मेनली, इसकी क्लासिफिकेशन होती है बैड फैट्स में और गुड फैट्स में। मतलब हेल्दी फैट्स भी होते हैं और अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं। इसको साइंटिफिकली क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स में। सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो हेल्थ के लिए खराब होते हैं, बेकार होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। सैचुरेटेड फैट्स अब होते कहाँ कहाँ पे हैं और ये डाइट आप ना लें तो बहुत ही अच्छा है। बटर में होता है, आपका क्रीम में होता है, प्रोसेस्ड मीट जो आप खाते हैं उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट्स होता है। तो फ्रेंड्स ये वाले फैट्स आपको नहीं खाने हैं। आपको कौन से फैट्स खाने हैं? गुड हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स आपको खाने हैं। और ये आपको कहाँ से मिलते हैं? इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप फिश ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल। 20% मिनिमम आप अपने डाइट में फैट को जरूर रखिए माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी फैट्स को अवॉइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हेल्दी फैट्स को सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ओमेगा 3 जरूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करेंगे, एक लिंक है, आप उसको
कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको फैट्स सप्लीमेंट से लेना है तो। अब हम आते हैं आपके फेवरेट प्रोटीन पे। प्रोटीन सबका फेवरेट है। जैसे ही बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं सबको मालूम होता है कि भैया प्रोटीन लेंगे और हमारा मसल बनेगा। बहुत ही वाजिब भी है और बहुत ही सही इंफॉर्मेशन भी ये है कि आपके जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके मसल्स के लिए। अब कितना प्रोटीन लेना चाहिए हमें डेली बेसिस पे उसको कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही ईजी है इसको कैलकुलेट करना। आपका जो भी बॉडी वेट है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और जो भी वैल्यू आए उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि आपका वेट 60 kg है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 120। तो 120 grams ऑफ प्रोटीन आपका डेली डाइट में होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोटीन के बारे में मैं आपको देना चाहता हूं कि प्रोटीन आपका बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो आपको इसको 5-6 मील में डिवाइड करके आपको पूरे दिन में उतने अमाउंट का प्रोटीन लेना है। प्रोटीन के सोर्सेस की बात करते हैं। अगर वेगान प्रोटीन डाइट की मैं बात करूं तो उसमें आप किनोवा ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं और टोफू भी ले सकते हैं। डेरी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो आप एग व्हाइट ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, आप दही भी ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन के अंदर में आप चिकन ब्रेस्ट ट्राई कर सकते हैं, ट्यूना, सैल्मन, टर्की, ये सब आप ले सकते हैं। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट से आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए हमने एक लिंक दिया हुआ है अपने फ्रेंड्स के लिए, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। फ्रेंड्स, कार्ब्स 2 तरीके के होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स बेसिकली आपको इंस्टेंट रिलीज ऑफ एनर्जी देते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है व्हाइट राइस, पोटैटो, व्हाइट ब्रेड, बनाना, एप्पल। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जो फंक्शन होता है वो होता है सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जब खाते हैं तो आपको जो एनर्जी है वो लंबे टाइम तक मिलती रहती है। इसके कुछ एग्जाम्पल जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, पीज, बीन्स और वेजिटेबल्स। और अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइम्स की जब आपको अपने मील्स लेने चाहिए ताकि आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो। पहला इंपॉर्टेंट मील टाइम आपका है उठने के बाद, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो बॉडी है वो एक कैटाबॉलिक स्टेट में होता है, उठने के बाद उसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस मील टाइम में आप सिंपल कार्ब्स को रखिए और इसमें आप थोड़ा सा फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन को भी रख सकते हैं। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मील टाइम है वो है प्री वर्कआउट टाइम। करीब करीब 1 घंटा पहले वर्कआउट से आपको ये मील को लेना चाहिए। अब चूंकि आप वर्कआउट करेंगे आपको सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपकी मील्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को जरूर लीजिए, साथ साथ में आप थोड़ा सा फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन भी ले सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मील टाइम है वो है पोस्ट वर्कआउट। वर्कआउट के 45 मिनट तक आपका एनाबोलिक विंडो रहता है। इसमें आपको डेफिनेटली एक प्रोटीन रिच डाइट की जरूरत होती है क्योंकि आपका उस दौरान मसल रिकवरी हो रहा होता है। इस डाइट में आप प्रोटीन रिच डाइट के लिए आप वे आइसोलेट को जरूर लीजिए और वे आइसोलेट के साथ आप इस डाइट के अंदर थोड़ा सा सिंपल कार्ब्स भी जरूर लीजिए, बिकॉज वर्कआउट के बाद आपको थोड़ा सा एनर्जी और चाहिए होता है। तो ये बात हुई फ्रेंड्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कि आपको प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, आपके लिए फैट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है और कार्ब्स का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स और वाइटामिन्स आते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में। आपके हार्ट बीट्स को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही मेंटेन करते हैं। एक सेल का एग्जैक्टली पीएच को रेगुलेट करने के लिए भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इनफैक्ट आपकी जो बोन की हेल्थ है ये भी लार्जली आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ही डिपेंड करती है। अब ये जो मिनरल्स और वाइटामिन हैं इनका जो डेली डोज हमें चाहिए होता है वो हमें अक्सर अपने खाने से नहीं मिल पाता है या फिर कम मिलता है। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है,
एक बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है, आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों सभी को ये मालूम है कि हमारा जो बॉडी है वो 70% पानी से बना हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जो आपका बॉडी मसल्स हैं उसमें पानी का कंटेंट 70 to 75% होता है। जी हाँ, दैट मीन्स आपकी मसल हेल्थ के लिए प्रॉपर पानी की क्वांटिटी को मेंटेन करना डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आप नॉर्मल एवरेज लेके चलिए कि बॉडी वेट को आप 30 से डिवाइड कीजिए, जो भी वैल्यू आए उतना लीटर ऑफ पानी आपको डेली बेसिस पे पीना चाहिए। और जो लोग वर्कआउट करते हैं वो आधा से 1 लीटर एक्स्ट्रा अपने डेली डोज में पानी को रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज आपके जो मसल्स हैं उनमें भी मेजर कंटेंट आपका पानी का होता है। पानी के बाद एक और चीज को लोग इग्नोर करते हैं बहुत ज्यादा, वो है नींद। वो अपना प्रॉपर स्लीप कोटा नहीं लेते हैं। लाइफ सबका थोड़ा सा फास्ट हो गया है, थोड़ा सा एमएनसी कॉर्पोरेट कल्चर में जिम के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन वो लोग नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है कि घर आने के बाद भी लोग अपने सेल के साथ रहते हैं, अपने लैपटॉप्स के साथ रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका जो स्लीप कोटा है वह रिड्यूस हो गया। अब नींद इंपॉर्टेंट इसलिए है, शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, कि आपका जो रिपेयर मैकेनिज्म है, जो एक्चुअल मसल बिल्डिंग आपकी होती है, वो जब होती है जब आप सो रहे होते हैं। तो एक प्रॉपर 8 घंटे का आपको साउंड स्लीप एवरी डे लेना चाहिए। इससे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिकॉज एक ओवरऑल अप्रोच बहुत ही जरूरी है, जैसा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सो आपका पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मील्स ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्कआउट कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने आज आपको टिप्स दिए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस टिप्स को फॉलो करेंगे, और आप अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम बाकी सभी लोगों को इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें, और वो लोग भी अच्छा सा अपना मसल बिल्डअप करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकें और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब, और फेसबुक, हम लोग बाकी एंड और अदर भी वीडियोस चैनल्स। लेके आ रहे हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हेल्थ टिप्स हम लोग लेके आएंगे बहुत ही जल्दी। हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड ऑफकोर्स शेयर करिए, बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचना चाहिए और सबको उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।